आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसी ब्रिज, या फिर इसी को बोलते हैं एंडरसन ब्रिज। उसी को नहीं बोलते, मतलब एसी ब्रिज में ही एक टॉपिक है एंडरसन ब्रिज। हमने आज इसके बारे में चर्चा करनी है। हम लोग ये जानते हैं कि मैक्सवेल जो था, मैक्सवेल ऑलरेडी एक इसी टाइप्स का एंडरसन ब्रिज बना चुके थे। उसका नाम दिए थे मैकलसन मैक्सवेल एलसी ब्रिज। उसका ये काम था कि वो सिर्फ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे वर्क करता था, लेकिन ये जो मॉडिफाइड है उसी मैक्सवेल वर्जन का, या मैक्सवेल ब्रिज का बोल सकते हैं, तो ये सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस पे वर्क करता है और सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू हमको निकाल करके देता है। ये बेसिकली लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। हम लोग देखेंगे अभी इस एक्सप्रेशन किस तरह से निकाला जाता है, और भी कई पैरामीटर्स हैं जो इस पे इंक्लूड होते हैं, वो सारा हम लोग देखेंगे अभी। पहला इसमें मैंने लाल लिखा है कि एंडरसन ब्रिज इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल एलसी ब्रिज। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इन द लेबोरेटरी फॉर द मेजरमेंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस एल। ये जो लेबोरेटरी में यूज होता है, मैंने पहले ही बता चुका, और ये सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करने में सबसे सहायक या सबसे हेल्पफुल होता है। इसका जो सर्किट अरेंजमेंट होता है, वो सर्किट अरेंजमेंट फॉर द एंडरसन ब्रिज एज शोन इन द फिगर, जो फिगर में दिखाया गया है आपको, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपने 12th में पढ़ रखा होगा, बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ पर भी चार रेजिस्टेंस है और तीन रेजिस्टेंस फिक्स होते हैं, और एक रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग फिक्स करनी होती है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस विषय में। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही है, बस यहाँ कैपेसिटेंस लगा होता है और एक एसी सोर्स लगा होता है, एक गैल्वेनोमीटर और एक रेजिस्टेंस इंटरनल में है। अभी हम लोग इस रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बाहर वाले रेजिस्टेंस जो आर, जो कि मैंने तीर का निशान दिया, मतलब ये एडजस्टेबल है, इसको हम बार बार एडजस्ट कर सकते हैं जितना अपना जरूरत के अनुसार। ये जो HP लिखा हुआ है, HP फॉर, मैं लिख देता हूँ HP, ये हेडफोन है, हेडफोन। ये हेडफोन इसलिए यूज किया जाता है ताकि मेरा एसी का एसी करंट जो है उस पर डिटेक्ट हो। मतलब आप हेडफोन का यूज हम लोग करते हैं कोई भी सर्किट में, इसलिए क्योंकि एसी को डिटेक्ट कर पाएं, एसी को पता कर पाएं, एसी को जान पाएं। अब आते हैं थोड़ा इसमें। तो एसी जैसे ही ये करंट है, मैंने डायरेक्शन दिया करंट को, इस तरफ से आई से जा रहा है ए पॉइंट पे। यहाँ पर तीन टर्मिनल मिला इसको, एक ए से बी जाएगा, एक ए से यहाँ इस पॉइंट को मैंने ई नाम दिया मान के चलिए, तो ई, तो ए से ई जाएगा और ए से डी जाएगा। तो ए से जो बी जा रहा है उसको मैंने I1 रखा है, और ए से जो ई जा रहा है बीच वाले में कैपेसिटर से होते हुए उसको मैंने I2 माना है, और ए से डी जो जा रहा है उसको I3 माना है, या रेजिस्टेंस R1 R2 R3 और R4 माना है। R4 जहाँ एडजस्टेबल, एडजस्ट कर किया जा सकता है इसको इंटरनल रेजिस्टेंस R है, स्मॉल R है, मैंने पहले जिक्र किया है। अब क्या होगा कि अब इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग आगे करेंगे, उससे पहले कुछ बात और कर लें, लेकिन इसको हम लोग ये जो किरचॉफ्स लॉ है उसके हेल्प से हम लोग इसको डिटेक्ट करेंगे, या फिर सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे और इसको क्या कहते हैं स्टेबल फॉर्म में, बैलेंस फॉर्म में इसको हम लोग देखेंगे। तो एनालिसिस अगर थोड़ा सा और करें इसमें, तो हो सकता है आपको कि और ज़्यादा अच्छा से पता चले कि एनालिसिस एट फर्स्ट स्टेडी बैलेंस इज ऑब्टेंड। इसका जो स्टेडी बैलेंस, मतलब जो R1 R2 R3 R4 जो बाहर से हम लोग जो आपको दिख रहा होगा, R1 R2 R3 R4 मैंने एक दूसरा बना भी रखा है आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि बार बार तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला। तो ये R1 R2 और ये R3 R4 को अगर एडजस्ट करना हो सबसे पहले, तो उसको हम लोग स्टडी बैलेंस बोलेंगे, जो मैंने यहाँ लिखा है। एट फर्स्ट द स्टडी बैलेंस इज ऑब्टेंड बाय द यूजिंग द DC सोर्स, DC डिटेक्टर, डेट इज द गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, आप इस वाले बड़े वाला फिगर में देखें, आप गैल्वेनोमीटर लगा, ये DC को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ से हम लोग इस पूरे सर्किट में जो भी DC है, कहने मतलब कि R1 R2 R3 R4 को स्टेबल कर लें या जान लें। ये फिगर टू है हमारा, ये फिगर वन है। आप इस फिगर को भी बना ले कॉपी में, हम लिख देते हैं यहाँ पर फिगर वन। ये फिगर वन है जो मैंने ऊपर बताया, ये फिगर टू है। गैल्वेनोमीटर एंड एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस R4 एज शोन इन द फिगर, सो इन द फिगर वन। ये फिगर वन में जो एडजस्ट करेंगे हम लोग, उसको हम लोग इस तरह से एडजस्ट करेंगे, R3 बाय R4। तो इस वाला जो ये जो इक्वेशन, ये आपको स्टेबल फॉर्म देता है किसका, स्टेडी स्टेट का, मतलब बाहर का जो रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 और R4 उसके लिए।
हम लोग नेक्स्ट पेज में आए हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कि बस वही फिगर है, इसमें एसी बैलेंस करेंगे। एसी बैलेंस करने के लिए आपको एक हेडफोन का जरूरत पड़ेगा। आपको पहले बता चुका मैंने कि हेडफोन जो जरूरत होता है एसी बैलेंस करने के लिए यूज होता है, जिस तरह डीसी बैलेंस करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज होता है, उसी प्रकार हेडफोन भी यूज होता है एसी को डिटेक्ट कर या बैलेंस करने के लिए। फॉर एसी बैलेंस इज ऑब्टेंड बाय यूजिंग एन एसी डिटेक्टर हेडफोन एंड एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस आर। ये जो स्मॉल आर है इस फिगर में, मैंने बाहर से जो फिगर बना रखा है छोटा सा, ये जो आर है इसको एडजस्ट किया जाता है। अब हम लोग बारी बारी से ये लूप, यहाँ पर इस लूप को पहले ए बी ई ए इस लूप को लेंगे किरचॉफ्स लॉ से, पहले सॉल्व करेंगे इसको, फिर ये सेकेंड लूप यहाँ से लेंगे कि ए ई डी ए, और फिर थर्ड लूप ये, और सारे इक्वेशन को ऐड करके हम लोग देखेंगे किसका वैल्यू क्या आता है, किस तरह से बैलेंस ये होता है। तो हमने लिख दिया है कि अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द लूप वन ए ई बी ए। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो लूप है मेरा ए ई बी ए, इस लूप में, अगर हम किरचॉफ सेकेंड लॉ को यूज करते हैं तो करंट का डायरेक्शन ए से बी जा रहा है, ए से बी हो जाएगा तो आई वन और आर वन मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा इसका ये आई वन आर वन किरचॉफ्स लॉ से। उसके बाद हमने फिर देखेंगे कि ये इस तरह से जाएगा और फिर ये जो इधर से आना चाहेगा तो इसका डायरेक्शन जो अपोजिट हो जाएगा, देखिए ये I2 जो यहाँ से जा रहा था I2 इस तरह से, और ये I2 ही है, I2 और ऐसे ऊपर गया, फिर I2 ये मेरा यहाँ पर भी I2 ही है, देखिए I2, और ये I1 इधर से आया, I2 इधर से, फिर मिलकर I1 प्लस I2 इसमें बहने लगा। तो हम सर्किट जो लिए ऐसे इस वाले लूप वन में लेंगे तो ये I2 ये R से मल्टीप्लाई होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन को माइनस से दिखाते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा I2 R। फिर जैसे चलते चलते इधर से आए, फिर ये पूरा लूप कंप्लीट होगा, यहाँ ये C मिलेगा कैपेसिटर C, तो यहाँ पर भी I2 है लेकिन डायरेक्शन करंट का अपोजिट है, तो अपोजिट के लिए ये माइनस और यहाँ हो जाएगा I2, और इसका हो जाएगा आपका जो जानते हैं कि वन बाई जे ओमेगा C इसका रिएक्टेंस होता है, वो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि और तो बाकी इसमें कोई बचा नहीं। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आप तो I2 I2 कॉमन होगा यहाँ से, तो I1 R1 माइनस ये होगा I2 कॉमन, तो हो जाएगा R प्लस वन बाई जे ओमेगा C इज इक्वल टू जीरो। ये अब यहाँ से आप सिर्फ वो किसका वैल्यू निकाल लें, I1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको पता होगा कि ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 आर प्लस वन बाई जे ओमेगा सी, ये ओमेगा सी है, ओमेगा सी, और ये आ गया आपका आई वन का वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ आई वन इज इक्वल टू आई टू बाई आर वन, ये आर वन इधर चला आया, और यहाँ हो जाएगा आपका आर प्लस वन बाई जे ओमेगा सी, ये आपका आई वन का वैल्यू निकल कर आया। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, हम लोग इसका यूज आगे इक्वेशन में करने वाले हैं। अब जो हम लोग ये किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाएंगे दूसरे लूप में ए ई डी ए, दूसरे लूप में इसको लेट किया है और होगा ए ई डी ए, इस वाले लूप में, इस वाले लूप में करंट यहाँ से जाएगा आई टू होते हुए कैपेसिटर होते हुए फिर इस तरह से वापस आएगा, तो वापस में इसका डायरेक्शन आई थ्री का नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, तो नेगेटिव लेंगे। चलिए आते हैं करते हैं, तो यहाँ पर होगा इस वाले पहले डायरेक्शन होते हैं ए से ई, तो हो जाएगा आई टू आई टू, और आपको ये सी है कैपेसिटेंस, तो इसके लिए होगा आपको वन बाई जे ओमेगा सी, और फिर ये इस वाले डायरेक्शन से आएगा तो यहाँ तो कोई करंट या रजिस्टर का मटेरियल नहीं है, ये ऊपर जाना चाहेगा तो यहाँ आर थ्री मिलेगा, और करंट आ रहा है आई थ्री, तो उल्टा आ रहा है तो हो जाएगा माइनस ये आई थ्री और ये आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम आई थ्री का वैल्यू निकाल लेंगे, आई थ्री को उस तरह ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, तो हो जाएगा आई थ्री आर थ्री उधर ले गए पॉजिटिव हो गया, और ये इधर ही रहा, मतलब प्लट के लिख रहा हूँ मैं आई टू वन बाई जे ओमेगा सी। यहाँ से अगर हम आई थ्री का वैल्यू निकाल लेते हैं आई थ्री, तो हो जाएगा आई टू बाई आर थ्री वन बाई जे ओमेगा सी। आप इसको इक्वेशन टू दे दें, ऊपर वाला को वन दे दें, इसको वन दे दें, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड लूप में जाएंगे, थर्ड लूप के लिए अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ इन लूप थ्री डी बी सी टी। तो डी बी सी टी हो जाएगा डी बी सी और फिर वापस डी, इस वाले लूप में हम लोग अप्लाई करेंगे जो लूप में हम थ्री लेट किए हैं, तो करंट डी इधर से हम अगर लेना चाहेंगे तो ये करंट का डायरेक्शन ही है, यहाँ से आई टू जाएगा आर स्मॉल आर होते हुए, और फिर इधर से लौटेगा ये कैपिटल आर टू होते हुए, यहाँ दो दो करंट है आई वन आर आई टू, क्योंकि इधर से जो आ रहा था वो है
आई वन और इधर से जो जा रही थी वो है आई टू, दोनों मिल करके इसमें आएगा। फिर ये वापस इस स्तंभ को इधर आना चाहेंगे, लेकिन इधर से करंट का डायरेक्शन आई थ्री जो है वो अपोजिट हो जाए, क्योंकि इधर से आ रही थी और हम इधर से वापस मतलब इस तरह से आए और इधर से जाने लगे। तो ये जो टोटल सम हो जाएगा फिर इक्वल टू जीरो होगा, हम लोग करके देखेंगे अभी। तो ये जो होगा ये आपका, अगर हम पहला इस वाले के लिए लें करंट, तो हो जाएगा आई टू आर स्मॉल में, ये हो जाएगा आई टू और ये हो जाएगा स्मॉल आर। फिर से यहाँ से इधर जाना चाहेंगे तो करंट का डायरेक्शन सेम है यानी पॉजिटिव ही रहेगा, पर यहाँ पर हो जाएगा जो आर टू किसके लिए हो जाएगा, ये दोनों आई वन प्लस आई टू के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये करंट जान रहे हैं आप आई वन प्लस आई टू मिलके ही आर टू के पास जा रहा है, तो हो जाएगा आर टू ब्रैकेट में आई वन प्लस आई टू। और फिर ये जब इधर से आने लगेगा तो यहाँ पर से आर फोर और ये इंडक्टेंस एल के वजह से इस आई थ्री जो ये दोनों में जा रही है, तो हो जाएगा इसका अभी नेगेटिव है क्योंकि उल्टा है ये, क्योंकि हम इधर से आ रहे थे ऐसे और ये जा रही इस तरफ आगे, हम आ रहे हैं सी से डी और ये जा रहे हैं डी से सी, तो इसके लिए हमको माइनस देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। तो ये करंट आई थ्री और यहाँ पर इसके लिए दो दो और ये है रेजिस्टेंस आर फोर है, प्लस क्या है एक जे ओमेगा एल, एक इंडक्टेंस है एल इज इक्वल टू जीरो, ये आपका जो एक एक्सप्रेशन बना। अब यहाँ से क्या करेंगे आप थोड़ा अरेंज कर लेंगे कि आई वन पहले फिर आई टू फिर आर थ्री, तो आई थ्री अपने जगह पर ठीक है, ये आर वन आई वन से मल्टीप्लाई होगा, इधर हम आर टू आई वन से मल्टीप्लाई करके हम पहले कर रहे हैं, तो हो जाएगा ये आई वन आर टू ये मल्टीप्लाई होके पहले कर लिए, और आई टू यहाँ भी, आई टू यहाँ भी, तो कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा आई टू कॉमन और ये हो जाएगा आर प्लस ये आर टू ये वाला आर टू माइनस आई थ्री, ये हो जाएगा आर फोर प्लस जे ओमेगा एल, जे ओमेगा एल इज इक्वल टू जीरो। अभी इक्वेशन हमारा थर्ड है और आपको बता दूँ कि आई वन और आई थ्री का वैल्यू हमने पिछले इक्वेशन वन एंड टू में निकाल कर रखा, अब यहाँ पर लाकर पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई वन एंड आई थ्री इन इक्वेशन थ्री वी गेट। चलिए हम आगे करते हैं, चलिए पुट करने से पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा, आई वन आर टू प्लस आई टू आर आर प्लस आर टू और ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा आई थ्री आर फोर प्लस जे ओमेगा एल, ये आया। अब आई वन का वैल्यू आप जो इक्वेशन वन हम लिखे थे आपको, आई वन का वैल्यू जो है, आई वन का वैल्यू क्या है, आई टू बाई आर वन इन ब्रैकेट आर स्मॉल आर प्लस वन बाई जे ओमेगा सी, अब ये हम आई वन की जगह पे रखने वाले हैं, तो आई वन यहाँ पर है, तो आई वन की जगह पर हमने क्या रखना है अभी, ये जो होगा आई टू बाई आर वन और ये पहले से आर टू है तो ये आर टू ही पे हो जाएगा, आर प्लस वन बाई जे ओमेगा सी, ये प्लस इसमें तो कुछ नहीं रखना, तो ये आई टू आर प्लस आर टू ही रहेगा, यहाँ आर थ्री की जगह जो आया है आई थ्री की जगह क्या आई टू बाई आर थ्री वन बाई जी ओमेगा सी होगा, तो यहाँ पर होगा आई टू बाई आर थ्री और ये वन बाई जे ओमेगा सी और ये जो यहाँ पर था पहले से था आर फोर प्लस जे ओमेगा एल, तो ये आपका यहाँ पे लिखाएगा। अब क्या करेंगे आप थोड़े इधर उधर करके आप इसको सोल्व करेंगे, आप एक काम यहाँ कर सकते हैं कि आई 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 टू आई टू आई टू कॉमन लेके काट सकते हैं, तो आई टू अगर कट जाएगा तो हो जाएगा आपका ये आई टू यहाँ पर भी है तो कॉमन ले लिया और ये आई टू से कट कर दिया, तो आपका जो आएगा वो आएगा आपका ये आर टू बाई आर वन, ये आर से मल्टीप्लाई होगा मतलब ये आएगा इस तरह से आर प्लस फिर हो जाएगा आर टू बाई आर वन हो जाएगा वन बाई जे ओमेगा सी प्लस यहाँ तो आई टू कट चुका है तो हो जाएगा यहाँ पर आर प्लस आर टू और इज इक्वल टू, यहाँ अगर आई टू कट चुका है आई टू कट चुका है तो यहाँ पर आपका होगा ये आर फोर और ये आर थ्री वन बाई जे ओमेगा सी और ये प्लस तो प्लस फिर ये आई टू कट चुका है यहाँ पर क्या होगा ये नीचे चला यहाँ से होगा आपका आर थ्री वन बाई आर थ्री और ये वन बाई जे ओमेगा सी मल्टीप्लाई में होगा जे ओमेगा एल, तो आपका ये जे ओमेगा सी और जे ओमेगा कट जाएगा आपको जो बचेगा एल बाई सी, तो ये एल बाई आर सी होगा यहाँ पर एल बाई आर सी आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ, देखिए यहाँ जो रियल पार्ट है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, रियल पार्ट मतलब जिसमें जे मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये आर है पहले तो मैंने पहले आर लिख लिया प्लस ये आर टू है तो आर टू लिख लिया, उसके बाद इस ये वाला टर्म लिखा मैंने आर टू बाई
आर वन ये स्मॉल आर प्लस ये इमेजनरी जो है मतलब जिसमें जे ऑपरेटर है वो मैंने बाद में लिखा आर वन वन बाई जे ओमेगा सी बराबर। और ये तो मेरा इमेजनरी है, चलिए मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ आर फोर बाई आर थ्री वन बाई जे ओमेगा सी और प्लस में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर वन बाई आर सॉरी वन नहीं एल होगा एल ऊपर में एल बाई आर थ्री सी। ये जो मेरा टर्म आया पूरा ये आया। अब क्या करेंगे आपकी जो रियल पार्ट है मतलब ये रियल है यहाँ से यहाँ तक और ये मेरा इमेजनरी मान सकते हैं, तो ये मेरा रियल सॉरी इमेजनरी और ये मेरा रियल, तो आप इस रियल को रियल से इक्वेट करें और इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वेट करें। तो इक्वेटिंग द पहले रियल पार्ट से हम इक्वेट करेंगे, तो इक्वेटिंग रियल रियल पार्ट्स बोथ साइड वी गेट हमको मिलेगा ये जो इक्वल होगा पूरे इसके इक्वल हो जाएगा, तो आर प्लस आर टू प्लस आर टू बाई आर वन ये आर और ये मेरा नहीं ये होगा इज इक्वल टू एल बाई आर थ्री सी। अरे ओफ आपको दिखा नहीं सॉरी, तो मैंने क्या किया ये आर वन आर प्लस आर टू प्लस आर टू बाई आर वन आर को इक्वल टू के इस तरफ है तो मैंने ये इस तरफ ही लिखा और ये इक्वल टू के उस तरफ है तो ये मैंने एल वाई आर थ्री और सी को मैंने उस तरफ ही रखा। दोनों को इक्वेट इसलिए कर दिया क्योंकि दोनों क्या है रियल है, ये कभी इमेजनरी नहीं बन सकता और इमेजनरी कभी रियल नहीं बन सकता, तो जाहिर सी बात है ये वाला का जो भी हिसाब होगा ये है और इसका जो भी हिसाब होगा ये है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ आर है, यहाँ पर भी आर है, आर आर कॉमन ले लिया मैंने, तो जो वैल्यू आएगा मैंने वो नेक्स्ट पेज में करूँगा आप ध्यान दीजिएगा। ये कॉमन लेने के बाद हम लिखना हो आर टू प्लस ये आर जो छोटा मोटा कॉमन लिए हैं और प्लस ये आर टू बाई आर वन इज इक्वल टू एल बाई क्या था सी आर थ्री ये आपका आया। तो अगर हम सिर्फ एल यहाँ से निकालें तो ये सी आर थ्री को पूरा इस तरफ मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो एल जो इक्वल टू होगा मेरा एल इक्वल टू जो होगा वो होगा सी आर थ्री और ये होगा आर टू प्लस आर वन प्लस आर टू बाई आर वन ये ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा जो आया इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन थ्री तक मान चुके थे तो आप इसको फोर मान सकते हैं फोर। अब उसी तरह जिस तरह आप इक्वेट किए रियल पार्ट को उसी सेम प्रकार आप कर सकते हैं इमेजनरी के लिए, तो इक्वेटिंग इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट, तो आपका इमेजनरी पार्ट होगा आप वीडियो को अप एंड डाउन करके देखेंगे या फिर आपको दिखाई देता हूँ आपको पीछे ही होगा वो, तो ये होगा मेरा आर टू बाई आर वन वन बाई जे ओमेगा सी इज इक्वल टू आर फोर बाई आर थ्री वन बाई जे ओमेगा सी। तो आर टू बाई आर वन तो आपका आर टू बाई आर वन वन बाई जे ओमेगा सी ये आर है ये भी आर है जे ओमेगा सी इज इक्वल टू आर फोर बाय आर थ्री वन बाय जे ओमेगा सी, तो वन बाय जे ओमेगा सी जो ओमेगा सी दोनों तरफ से कट जाएगा तो आपका सिर्फ बचेगा आर टू बाय आर वन इज इक्वल टू आर फोर बाय आर थ्री। आप इसको और ये तो आपका हो गया, आप इसको पलट सकते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर, तो ये आपका होगा बैलेंस्ड फॉर्म जो हमने स्टडी स्टेट में किया था वो वाला फॉर्म आ गया। जो इक्वेशन फाइव हमने लेट किया वो क्या, इक्वेशन फाइव इज द डीसी बैलेंस कंडीशन ऑब्टेंड बाय वेरिंग आर फोर, जो आर फोर को हम लोग एडजस्ट करके ये इक्वेशन लाए हैं, और जबकि इक्वेशन जो फोर था जो हम इंडक्टेंस एल इस पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि इस एंडरसन ब्रिज की हेल्प से हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस एल का वैल्यू निकाल लेते हैं ये आर के एडजस्ट कर करके। तो यहाँ मैंने और नेक्स्ट में लिखा है व्हाइल द इक्वेशन फोर मतलब एल इक्वल टू जो ऊपर में आया वो इज द एसी बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन बाय वेरिंग आर।